नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और मैं आपके साथ हूं रितु बसंत। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड स्पेशल के साथ। नैनीताल के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिले को करोड़ों की सौगात दी है। इस दौरान जिले के डीएम हिराज गब्रियाल की पहल पर गांव के घरों को बेटियों के नाम पर रखा गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि नैनीताल देश का पहला ऐसा जिला है जहां घरों को बेटियों के नाम से जाना जाएगा। साथ ही उन्होंने महिलाओं के विकास और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की बात कही। जो महिला पक्ष है, जिसको हम आधा पक्ष मानते हैं, उसका भी समान रूप से योगदान हो, वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो, इस सोच के साथ हम संतुलित विकास के अवधारणा को आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा तीन दिवसीय दौरे पर टिहरी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने टिहरी बांध से प्रभावितों की समस्याओं को सांसद में उठाने की बात कही। वहीं इस मौके पर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने प्रशासन से शहरवासियों को बिजली पानी में रियायत देने की मांग की है। इस दौरान प्रदीप टम्टा ने कहा कि बीजेपी कितनी भी प्रोपोगंडा क्यों न चला दे, जनता को सब पता है। वहीं उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में जनता का मूड कांग्रेस के पक्ष में होने की बात कही। कांग्रेस इस समय राज्य में आ रही है, जनता का आक्रोश है, युवा पूरी तरह से राज्य सरकार से, किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, राज्य की सरकार को सबक सिखाना चाह रहे हैं। तो आम आदमी का गुस्सा जो बीजेपी के खिलाफ है, शिखंडी की तरह आप पार्टी को करके वोटों का ध्रुवीकरण बांटना चाहते हैं। खटीवा में एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने यूपी सीमा से लगे 17 मील इलाके में आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान एसएसपी ने बताया कि चौपाल में कुल 45 फरियादियों ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा, जिसमें से 9 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि बाकी 34 समस्याएं को भी जल्द समाधान करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय विधायक पुष्कर सिंह धामी ने चौपाल को पुलिस की अच्छी पहल बताई। साथ ही उन्होंने भविष्य में भी पुलिस को इस तरह के चौपाल आयोजित करने की बात कही। सारे केसों को वैसे लगभग हमें 20% के संबंध में निपटा रहे, मौके पर हो गया है। इनको लिखा पढ़ी करके संबंधित विभाग को हम दे रहे हैं। ये डीजीपी साहब के उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम रखा, उसका भी मैंने हल्का सा इसकी तरफ व्यापक बनाने का प्रयास किया है। लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनना, जो पुलिस डिपार्टमेंट से हैं और उसके अलावा अन्य डिपार्टमेंट से भी, तो सभी डिपार्टमेंटों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अच्छी चौपाल हो रही है। इससे लोग जो है जिन समस्याओं को लेकर, जिनको जिला मुख्यालय जाना पड़ता है या ब्लॉक मुख्यालय जाना पड़ता है, उनके लिए उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अल्मोड़ा के विकास भवन में सांसद अजय टम्टा ने जिला विकास समन्वय निगरानी समिति के केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सांसद ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग मनरेगा समेत विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बागवानी को बढ़ावा देने की बात कही, जिससे आम जनता को रोजगार के साधन मिल सके और पलायन पर भी अंकुश लगाया जा सके। ज़्यादा काम मिले, ज़्यादा रोज़गार मिले, बजट का प्रोविज़न ज़्यादा मिले, उनको हमने कहा है। बहुत सारे ब्लॉक हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अचीव किया है टारगेट और उससे ऊपर भी चले गए, तो ये एक अच्छा हुआ है। PMGSY की सड़कों के काम भी जो हमारे समय सीमा के अंदर निर्धारित होने थे, पूरे होने थे, उनको भी उनको निर्देश किया है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की है। चंपावत में सूबे की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हल्द्वानी के राज्य आंदोलनकारी मोहन पाठक के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारे जाने की मांग को लेकर जिला अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने कहा कि जिले के सभी अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। साथ ही उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्था को व्यवस्थित करने और जिले के अस्पतालों में ICU और वेंटिलेटर को संचालित किए जाने की मांग को लेकर यह कदम उठाया गया है। इस दौरान पूर्व विधायक ने रोगियों को सुविधाएं नहीं मिलने की बात कही। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र में कुछ नहीं है। गांव से सारे लोग जिला अस्पताल में अपने स्वास्थ्य के लिए आ रहे हैं और इस जिला अस्पताल में भी कोई व्यवस्था पूरी नहीं है। ये सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गया है और यहाँ से तमाम मरीजों को हल्द्वानी सुशीला तिवारी रेफर किया जाता है और वहाँ वो खंडहर अस्पताल में कुछ नहीं मिल रहा है। सुशीला तिवारी जब ट्रस्ट का हॉस्पिटल था
तो कांग्रेस सरकार में, तिवारी जी सरकार में हम लोगों ने उस टाइम लड़ाई लड़ी थी कि जब पैसा सरकार से जा रहा है तो क्यों ना हम इसको ट्रस्ट की जगह राजकीय कॉलेज करें, ये सरकारी कॉलेज हो जिससे आमजन को राहत मिले। और उस टाइम की सरकार ने उन बातों को माना और उसको सरकारी कॉलेज बनाया, मगर आज उस सुशीला तिवारी की भी हालत बदहाल है। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।